स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इंडिया और पाकिस्तान रेलवे का कंपैरिजन देखने जा रहे हैं। वैसे तो उनके साथ हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन कई सारे रिएक्टर्स ने इस पर रिएक्शन दिया है, तो मैंने सोचा मिक्स रिएक्शन उस पर भी बना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, तब एक नई राइवलरी ने जन्म लिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक देश को दो टुकड़ों में बांटने के बाद ब्रिटिशर्स तो यहाँ से चले गए, बट दोनों देशों को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बना गया। ये पार्टीशन जो था, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीशन था, और इसी पार्टीशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था इंडियन रेलवेज, जो कि 1947 के बंटवारे के बाद दो हिस्सों में बट गई, इंडियन रेलवेज और पाकिस्तान रेलवेज। आज़ादी को आज 75 ईयर्स हो चुके हैं और दोनों ही देशों की रेलवेज में काफ़ी कुछ बदल चुका है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी बदलाव के बारे में और कंपेयर करेंगे इंडियन रेलवेज को पाकिस्तान रेलवेज के साथ बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। ईयर ऑफ फाउंडेशन 6 मई 1836, ये वो दिन था जब इंडिया में किसी भी प्रकार की ट्रेन चली थी। लेटर ऑन 16 अप्रैल 1853, थाने से बोरीबंदर के बीच में इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी और यहीं से शुरुआत हुई इंडियन रेलवेज की। बात करें अगर पाकिस्तान की, तो वैसे तो पाकिस्तान 1947 में बंटवारे के बाद एग्जिस्टेंस में आया, बट अगर आज के पाकिस्तान के मैप पे अगर सबसे पहले रेल रूट की बात करें, तो वो ले डाउन किया गया था इन द ईयर 1855। हेडक्वार्टर्स एंड ओनर्स, इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वहीं पाकिस्तान रेलवेज का हेडक्वार्टर लाहौर में। दोनों ही रेलवेज स्टेट ओन है और इन्हें अपने अपने देश की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कंट्रोल करती है। टोटल ट्रैक लेंथ, अगर बंटवारे से पहले की बात करें, तो इंडिया में जो टोटल ट्रैक लेंथ थी वो थी 64,000 किलोमीटर की, जिसमें से पार्टीशन के बाद 55,000 किलोमीटर इंडिया का हिस्सा बन गया और 9,000 किलोमीटर पाकिस्तान का। आज 75 ईयर्स बाद इन 2022 इंडियन रेलवेज की ट्रैक लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर हो चुकी है, वहीं पे पाकिस्तान रेलवेज की ट्रैक लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर हो चुकी है। नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस, इंडियन रेलवेज में टोटल 7,400 रेलवे स्टेशन है, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में 630 रेलवे स्टेशन हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स, इंडिया के इन 7,400 रेलवे स्टेशन को कवर करती हैं अप्रॉक्स 13,200 ट्रेन्स, एंड पाकिस्तान रेलवेज के 630 स्टेशन को कवर करती हैं अराउंड 230 ट्रेन्स, जो कि काफ़ी कम है अगर हम कंसीडर करते हैं स्टेशन टू ट्रेन रेशियो। नंबर ऑफ पैसेंजर्स, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 23 मिलियन पीपल रोजाना इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करते हैं, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में टोटल 1.8 लाख पीपल डेली ट्रैवल करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इंडियन रेलवेज वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जहां पे मोर देन 13 लाख पीपल इंडियन रेलवेज में काम करते हैं, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में टोटल 72,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। रेलवे बजट, फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की बात करें, तो इंडियन रेलवेज को जो बजट एलोकेट हुआ है वो है 1,40,500 करोड़, वहीं पाकिस्तान रेलवेज का जो बजट है वो है 3,300 करोड़। रेवेन्यू, इंडियन रेलवेज ने फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के बीच पे 2,17,500 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया, वहीं पाकिस्तान रेलवेज ने 4,865 करोड़ का। तो ये थी इन दोनों ही देशों के रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। अब आगे बात करते हैं इन दोनों ही देशों की ट्रेन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन टाइप्स के बारे में। इंडियन रेलवेज में डिफरेंट कैटेगरीज की ट्रेन चलती है, जिनमें प्रीमियम ट्रेन्स में लाइक वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी, दुरंतो, गरीब रथ जैसी ट्रेन्स हैं। देन रेगुलर सुपर फास्ट ट्रेन्स, मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स जिनमें मेमू, ईएमयू, डीएमयू जैसी ट्रेन्स आती हैं, और फ्रेट ट्रेन्स। पाकिस्तान रेलवेज में एज सच कोई ब्रॉड कैटेगरीज तो नहीं है, बट एक्सप्रेस ट्रेन्स लाइक जिन्ना एक्सप्रेस एंड ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, रेगुलर सुपर फास्ट ट्रेन्स एंड पैसेंजर ट्रेन्स एंड फ्रेट ट्रेन्स होती हैं। अब बात करते हैं ट्रेन क्लास के बारे में। तो इंडियन रेलवेज में फर्स्ट एसी, चेयर कार, जिसमें कि एसी, नॉन एसी और एग्जीक्यूटिव और इकोनॉमिक ऑप्शन होता है, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, अनरिजर्व्ड और सिटिंग क्लास होता है। वहीं पाकिस्तान रेलवेज में एसी स्लीपर, एसी पार्लर कार, एसी बिजनेस क्लास, एसी स्टैंडर्ड, इकोनॉमी क्लास, सेकंड क्लास होता है। अब बात करते हैं दोनों ही देशों की फास्टेस्ट ट्रेन्स के बारे में। इंडियन रेलवेज की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो चलती है 180 किलोमीटर पर आवर पे, और जो फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन है वो है गतिमान एक्सप्रेस, जो चलती है न्यू दिल्ली और झांसी के बीच में एट द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर।
वहीं पाकिस्तान रेलवे की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है जिन्ना एक्सप्रेस, जो चलती है लाहौर और कराची के बीच में, जिसकी टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर की। बात करें अगर दोनों ही देशों की ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी की, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों ही देशों की पंक्चुअलिटी रीसेंट टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, जो कि अराउंड 90% है। बात करते हैं दोनों ही देशों के रेलवे सिस्टम में यूज किए जाने वाले लोकोमोटिव्स के बारे में। इंडियन रेलवेज में लोकोमोटिव की लाइनअप बहुत लंबी है। बात करें अगर 2022 में मेजर यूज्ड होने वाले लोकोमोटिव्स के बारे में, तो डीजल में WDM-3A, 3D, WDG-3A, WDP-4, WDP-4B, WDP-4D, WDG-4, WDG-4D जैसे लोकोमोटिव्स हैं। वहीं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में WAP-4, WAP-5, WAP-7, WAG-5, WAG-7, WAG-9, WAG-12 जैसे लोकोमोटिव्स हैं। बात करें अगर पाकिस्तान रेलवेज की, तो वहाँ अभी भी डीजल लोकोमोटिव्स का दबदबा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रूट्स जो है वो अनइलेक्ट्रिफाइड है। जो मेजर लोकोमोटिव्स है वो है GMU-30, ZCU-30, AGE-30, HGMU-30, GEU-40। ये जो है ये सबसे कॉमन लोकोमोटिव्स हैं पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क में। फास्टेस्ट लोकोमोटिव, सो इंडियन रेलवेज का जो सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है, जो कि स्पीड का बादशाह है, वो है WAP-5 लोकोमोटिव, जो चल सकता है 225 किलोमीटर की मैक्स स्पीड पे। वहीं पाकिस्तान रेलवेज का जो सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है वो है AGE-30, जो चल सकता है 160 किलोमीटर पर आवर के फास्टेस्ट स्पीड पे। मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव, बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज में रिसेंटली WAG-12 लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है, और ऑल्सो ये इंडियन रेलवेज का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है। वहीं पाकिस्तान रेलवेज के सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव की बात करें, तो वो है GEU-40, जो कि 4,500 हॉर्स पावर का डीजल लोकोमोटिव है। तो ये था डेटा दोनों ही देशों की रेलवेज, उनकी ट्रेन्स, उनके लोकोमोटिव्स के बारे में। अब आइए कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पे भी दोनों कंट्रीज की रेलवेज को कंपेयर करते हैं। लोकोमोटिव्स एंड कोच मैन्युफैक्चरिंग, अब ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी कंट्री की रेलवेज के लिए, कि आप जो लोकोमोटिव है, जो कोचेस है, वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इंडियन रेलवेज में इसके लिए बहुत सारे लोकोमोटिव वर्क्स हैं, लाइक चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोडर्नाइजेशन वर्क्स जो कि पटियाला में है, यहाँ पे लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। एंड सिमिलरली पाकिस्तान रेलवेज में पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री है, जहाँ पे लोको का मेंटेनेंस और प्रोडक्शन होता है। बात करें अगर कोचेस की, तो इंडिया में ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में कोचेस का प्रोडक्शन होता है। वहीं पाकिस्तान में ICF यानी कि इस्लामाबाद कोच फैक्ट्री में कोचेस का प्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं लग्जरी ट्रेन सर्विसेज के बारे में। पाकिस्तान रेलवेज में एज सच अभी तक कोई भी लग्जरी ट्रेन सर्विसेज नहीं है। वहीं पे इंडियन रेलवेज ऑपरेट करता है वर्ल्ड की सम ऑफ द मोस्ट लग्जरी ट्रेन सर्विसेज, लाइक महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी एंड गोल्डन चैरियट। इलेक्ट्रिफिकेशन, पाकिस्तान रेलवेज में लाहौर खानेवाल सेक्शन, जो कि लगभग 300 किलोमीटर का सेक्शन था, वो इलेक्ट्रिफाइड था 2011 तक, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओवरहेड वायर्स की चोरी की वजह से उस सेक्शन को अनइलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया। एंड इन फ्यूचर पाकिस्तान रेलवेज का अभी कोई भी प्लान नहीं है इलेक्ट्रिफिकेशन करने का। वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो करेंटली 85% ऑफ द नेटवर्क इलेक्ट्रिफाई हो चुका है, और इंडियन रेलवेज ने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक हमारा रेलवेज 100% इलेक्ट्रिफाई हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन, इन दोनों ही कंट्रीज की रेलवेज स्टेट ओन्ड है बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, बट इंस्पायर्ड बाय फॉरेन कंट्रीज, दोनों ही देशों में धीरे धीरे प्राइवेट ट्रेन की सर्विसेज इंट्रोड्यूस की जा रही है। पाकिस्तान में करंटली 10 प्राइवेट ट्रेन ऐसी हैं जो कि आउटसोर्स की जा चुकी हैं, लाइक ग्रीन लाइन एक्सप्रेस एंड तेजगाम एक्सप्रेस। वहीं इंडियन रेलवेज में भी कुछ प्राइवेट ट्रेन लाइक तेजस एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस की गई हैं, जो कि IRCTC के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। फ्यूचर प्लान्स, अब ये तो बात होगी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर क्या होने वाला है वो उनके फ्यूचर प्लानिंग्स एंड गोल्स पे डिपेंड करता है। करंटली दोनों ही कंट्रीज में कोई भी हाई स्पीड रेलवे सिस्टम नहीं है, बट रिसेंटली पाकिस्तान रेलवेज ने चाइना से 160 किलोमीटर पर आवर केपेबल कोच इंपोर्ट किए हैं, जिससे वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन रन कर पाएंगे। वहीं इंडियन रेलवेज में मुंबई एंड अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जो कि 2026 तक ट्रैक पे दौड़ती हुई नजर आएगी। इंडियन रेलवेज में और भी कई सारे प्रोजेक्ट है, जैसे वन ऑफ अ काइंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड एग्जिस्टिंग नेटवर्क को 160 किलोमीटर पर आवर पे अपग्रेड करने का। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि दोनों ही कंट्रीज अपने रेलवेज को किस तरह से डेवलप करती हैं और मॉडिफाई करती हैं, और साथ ही में कम्पिटिट कर पाती हैं वर्ल्ड के अदर रेलवे सिस्टम से। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान
के बीच में कोई बात की भी कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड्स और हमारे जो ग्रोथ हो रही है इस वक्त इकोनॉमी या इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी सेक्टर में, तो उससे पाकिस्तान से तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास तो कोई विजन ही नहीं है और कोई ऐसी आशा भी नहीं दिख रही है कि फ्यूचर में भी वो लोग कुछ करेंगे। और जहाँ तक बात रही ट्रेन की, तो उन उसमें भी इंडिया के पास जितने बंटवारे के समय जितने ट्रैक्स या कोचिज और इंजिन्स आए थे वो एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से ही बटा होगा, तो जो उनको मिला था उन्होंने तो कोई उसमें ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं किया, लेकिन इंडिया ने तो बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट कर लिया और कितने सारे नए ट्रैक्स रेलवेज और कितनी नई टेक्नोलॉजीज भी इंडिया ने इम्प्लीमेंट कर दी, हमने खुद ने भी डेवलप की और दूसरे देशों से एग्रीमेंट करके वहाँ से भी हमने तो उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।